हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा वीडियो। आप देख सकते हो मैंने अपने थिन हेयर थोड़े बहुत रिकवर तो कर ही लिए हैं बिफोर के, आप देख सकते हो मैंने पिन कर दिया है। मुझे अभी चाहिए कमर तक बाल, क्योंकि अभी थिन हेयर का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया है, तो बालों को जल्दी जल्दी लंबा कर लेते हैं। मैं एक हेयर मास्क यूज़ करने वाली हूँ, ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने खोजा है यार ये इन्ग्रीडियंट्स को। तो पहला जो इन्ग्रीडियंट हो वो होगा मतलब एलोवेरा। तो जो एलोवेरा होता है ना, वो सबको पता है कि बाल के लिए कितना अच्छा होता है, स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। जितने भी मैं इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करूँगी ना, वो अब आपको पता ही है कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको झिझक नहीं होगा कि इसको यूज़ करें कि नहीं यूज़ करें। और मेन मोटिव मेरा बाल बढ़ाने का ये भी है ना, क्योंकि गर्मियों में ही सिर्फ बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और विंटर्स में तो ऐसे भी ग्रोथ नहीं होती है, और एनी सीज़न में तो झड़ झड़ के वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो बाल जो बढ़ाने का मौसम होता है ना, वो सिर्फ समर्स ही होता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम लेंगे ना, वो होगा हिबिस्कस के फूल और कुछ पत्ते भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स हो गया है। हिबिस्कस के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया है यार, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना अच्छा है ये हमारे हेयर के लिए। सबको अच्छे से हम कट कर लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में सिंपली डालो, ये कांटा वाला निकाल लेना एलोवेरा का साइड साइड से, और उसको धो के ऐसे काट के अब मिक्सर में डाल दो। उसके बाद इसको पीस दो अच्छे से, फाइन पेस्ट बनाना नहीं तो बाल में वो फंसेगा। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छा सा ये हो गया है डार्क ग्रीन कलर का। इसमें ना अभी एक चीज़ और जाएगा, जो कि है मेरा DIY ऑयल, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसको दोबारा बनाने वाली हूँ ऑयल को। तो आप अगर आपके पास DIY ऑयल नहीं है तो आप मेरे चैनल से के बना सकते हो यार। और अगर आप नहीं DIY यूज़ करना चाहते हो ऑयल को, तो कोकोनट ऑयल डाल लो या जो भी आपका हेयर ऑयल है फेवरेट वो डाल लो। उसके बाद इसको अच्छे से लगाना यार अपने बालों में। देखो हेयर मास्क तो बहुत ही सारे होते हैं यूट्यूब पे, पर यही होता है ना ट्रिक कि आप उसको अच्छे से अपने बालों पर लगाओ, कि हाँ कोई ऐसी रेमेडी बना लिया, उसको झटपट ऐसे ही लगा लिया, ऊपर ऊपर से बालों में अच्छे से पहुँचा ही नहीं वो मॉइस्चर, तो कहाँ से वो वर्क करेगा आपको। तो अच्छे से इसको लगा, होम रेमेडीज बेस्ट होती है अपने आपके बालों के लिए। कुछ भी मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है उसका, बस खाना पीना सही रखो और बालों में हेयर केयर का अपना रूटीन करते जाओ, एकदम सही हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा आपको मेडिसिन वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है और मैंने एंड्स पे भी लगाए हैं। और देखो मैंने आपको रिसीडिंग हेयरलाइन का बताई थी ना रेमेडीज़, इतना सही वर्क किया ना वो, मेरे एक भी अब गंजेपन नहीं है सामने में। तो मैं जितने भी रेमेडीज़ आपको बताती हूँ ना, वो किया करो यार, 110% वर्क करता है। और मैं अपने ख़राब बालों में ही आपको दिखाती हूँ, तो अगर मेरे बाल सही हो रहे तो आपके तो डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि मुझे हार्मोनल इशूज़ भी, उसके अलावा भी मैंने सही किया है। आफ्टर रिज़ल्ट आपने देख लिया, मेरे बालों का बहुत ही ज़्यादा बाउंसी हो गए थे। इसका रेगुलर यूज़ मैं अभी करने वाली हूँ, आप भी करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।